नहीं श्रवण कर रहे हो, ये कल्प वृक्ष को नीचे आप लोग बैठे हैं। कहते ये कल्प वृक्ष का तात्पर्य क्या है, बोले 7 दिन तक अगर ठीक ठीक से आप लोग कथा सुनिएगा, आप लोग जो कुछ ये भागवत रूपी कल्प वृक्ष से प्रार्थना करोगे मांगोगे, 7 दिनों में ये भागवत कथा आपका सारी इच्छा पूरी कर देगी। जिनकी घर में संतान नहीं है, जो निसंतान है उनको भागवत कथा संतान प्रदान करती है, जो दुखी है भागवत कथा उसे सुख प्रदान करती है, जो रोगी है भागवत कथा उसे निरोग प्रदान करता है, जो निर्धन है भागवत कथा उसको धन प्रदान करती है। लेकिन कथा ठीक से सुनना पड़ेगा। पहले कथा सुनने का तरीका क्या है, पहले पहला तरीका है 7 दिन तक बिना खाए पिए कथा सुनना। आप बोलोगे पहला दिन नहीं, आप पूरी सब्जी और खीर का व्यवस्था कर दिया, आप कह रहे हो 7 दिन तक बिना खाए पिए कथा सुनो। कहते ये पहला नियम है बिना खाए पिए कथा सुने, अगर नहीं कर सकते हो कहते 7 दिन तक फलाहार करके कथा सुनो। कहते ये बात तो ठीक है, कहते अगर इसमें भी कोई दिक्कत हो एक बार फलाहार करो और एक बार बढ़िया से भोजन करो। लेकिन ये जो विधि सबसे बढ़िया विधि है, एक बार भोजन करो और एक बार फलाहार करके कथा सुनो। अगर इसमें भी तुम्हें कष्ट होता है कहते जितना बार भोजन करना करो, लेकिन भागवत कथा को नियम से भागवत कथा सुनो। लेकिन जो नियम है ना, जो नियम है एक बार भोजन और एक बार फलाहार, ये सबसे बढ़िया है। क्योंकि जब तक कोई नियम नहीं लोगे ना, कष्ट के बगैर कृष्ण नहीं मिलते, कुछ कष्ट करना ही पड़ेगा। अब 7 दिन तक ठीक ठीक से कथा सुना, आप लोग देखिएगा, हम लोगों ने देखा है जिनकी 20 साल तक कोई संतान नहीं था घर में, 25-30 साल तक भी घर में कोई संतान थी नहीं, लेकिन उन्होंने नियम से कथा सुने है ना, उनको संतान हुआ। मैंने एक जगह, मैंने 1000 जगह पर हमने देखा है, 7 दिन तक जो संकल्प लेकर कथा सुने भागवत उनकी सारी इच्छाओं को पूरी कर दी। इसलिए आप लोगों को ध्यान से एक बार फलाहार एक बार भजन करते हुए ठीक से कथा सुनना। अगर जिसको ज्यादा दिक्कत है, कोई शुगर बीमारी कोई होगी, बोले भैया हम तो रह ही नहीं सकते हैं, कोई बात नहीं, जितना बार भोजन कर करो लेकिन एक कथा सुनो। लेकिन कथा सुनने का नियम क्या है, बोले साधारण बिस्तर के ऊपर में सो कर कथा सुनना, घर में झूठ नहीं बोलना, किसको साथ में लड़ाई झगड़ा नहीं करने की, और सदाचार पूर्वक ब्रह्मचर्य पालन करते हुए अगर आप कथा सुनोगे ये भागवत आपका सारी इच्छाओं को पूरी कर देगी। बोले श्रीमद् भागवत कथा मृता मुखी जय। अरे आप लोग कोई जयकार नहीं दे रहे, भागवत का जो जितने जोर से जयकार देगा, भगवान की थोड़ी जय तो हमारी है, उनकी जयकार करने से अपना पाप खत्म होगी और अपना जयकार होगा। इसलिए जोर से बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रीमद् गोस्वामी महाराज की, भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की, भक्तिवेदांत महाराज की जय। तुगल का बात के भक्तवृंद की जय। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। अजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे।
वंदे जगत प्रिय करो करुणा अवतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वृंदाय तुलसी देवै प्रिया ऐ केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रतिदेवी सत्यवतये नमो नमः। तमादिदेवं करुणादिदानं तमालवर्णं सुहृदावतारं अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवतं स्वरूपं। जन्म प्रवजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायन विरहकातर आयुभाव पुत्रेति तन्मयतयातरवो विनेभ स्तं सर्वभूतहृदय मुनिमान तुस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। एक बार सब हाथ उठा कर बोलो बोलो हरे कृष्ण माइक खोल दो। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। बार सबके सब बोले बोलो हरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर सदश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मदीय शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर सदश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण स्वर्ग में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजुग प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। आज हम लोग का बहुत बहुत बढ़िया दिन है जो कि तुगल का बात में और ये मंदिर कोई मंदिर है कौन सा मंदिर है मंगलदास बाबा मंदिर मंदिर में बैठ करके हम लोग 7 दिन तक ये भागवत कथा सुनने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित कद जन्मांतरे भवेत पुण्यम तथा भागवतम लभ्यम। बोलिए भागवत कथा सुनने का कब सौभाग्य प्राप्त होता है? कहते एक जन्म नहीं जब कोई करोड़ों करोड़ों जन्म का कोई पुण्य उदय हो तभी ये भागवत कथा सुनने का हमें सौभाग्य प्राप्त होता है। इसलिए हमारे गुरु जी कहते थे जगत में ऐसे कुछ काम हैं अगर हमारे पास में पैसा की बल हो जो काम पैसा की बल पर कर सकते हैं। जगत में ऐसे कुछ काम हैं अगर हमारे पास में जन बल हो कोई मदद करने वाले हो जो काम को हम कर सकते हैं। जगत में ऐसे कुछ काम हैं अगर हमारे पास में मन का बल हो जो काम को कर सकते हैं। जगत में ऐसे कुछ काम हैं
अगर हमारे पास में आत्मबल हो जो काम को हम कर सकते हैं। लेकिन हमारे बड़े गुरु जी कहते थे ये भागवत कथा रखवाना और भागवत कथा सुनना न तो कोई पैसा के बल पर कर सकता है, न तो कोई जन बल पर कर सकता है, न तो कोई मन का बल पर कर सकता है, न तो कोई आत्म बल पर कर सकता है। जब तक कि बांके बिहारी का कृपा बल नहीं हो तब तक ये कथा कोई कर भी नहीं सकता है और ये कथा कोई सुन भी नहीं सकता। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित ये भागवत कथा की इतना महिमा क्या महिमा, बोले स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्ते अमरस। आज ये तुगलकाबाद के भक्तों को जो सौभाग्य मिला है, सुखदेव गोस्वामी कहते स्वर्ग में देवता रूप में जन्म लेने पर भी उनकी नसीब में भी ये भागवत कथा सुनने का सौभाग्य नहीं मिलता है। जब श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को ये भागवत कथा सुनाने जा रहे थे, हम जिन जिन देवताओं को पूजा करते हैं, इंद्र चंद्र वायु वरुण जो देवताओं को पूजा करते हो, स्वर्ग से अमृत कलश लेकर के सारे देवता लोग आए, 33 करोड़ देवता। बोले हे सुखदेव गोस्वामी आप परीक्षित को ये भागवत कथा क्यों सुनाने जा रहे हो? कारण है इनको श्रृंगी ऋषि ने अभिशाप दिया ये सप्तम दिवस में इनको तक्षक दंशन करेगा कटेगा, इसलिए ना। बोले हाँ, बोले हम स्वर्ग से ये अमृत कलश लाए, लो ये पूरा का पूरा अमृत कलश ले जाओ और ये परीक्षित महाराज को पिला दो, ये अमरत्व को प्राप्त करेंगे, अमर बन जाएंगे। लेकिन ये जो श्रीमद भागवत कथा हमें सुना दो। लेकिन सुखदेव गोस्वामी क्या बोले, बोले को काच को मणिर महा। और उदाहरण देते हैं, बोले तुम लोग बड़े स्वार्थी हो, केवल अपना मतलब को ही हासिल करना देवता लोग जानते हैं। कहते कहां ये भगवान की कथा, ए क्या कर रहे हो, वो उल्टा पल्टा जो सांप था सही करो उसको, हरे कृष्ण। इसलिए कहते तुम लोग बड़े मतलब, अर्थात तेज करो, बोले तुम लोग बड़े मतलब ही हो। कहते को काच को मरीर महान। उदाहरण देते हैं, अगर कोई व्यक्ति टूटे फूटे कोई कांच के टुकड़े लाए, बोले आप इसको ले लो और आपको पास में जो मणि है वो मणि हमें दे दो, आप दोगे? तब उदाहरण देते हैं ये भागवत कथा है क्या चीज, बोले ये भागवत कथा नहीं, बोले ये स्वयं भगवान कृष्ण चंद्र है। कहते कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादि भी सह। जब भगवान कृष्ण ये मरते जगत छोड़ करके जा रहे थे, भैया इसका तेज कम क्यों कर रहे, करो ज्यादा करो, इसलिए क्या तुमको सुनाई नहीं पड़ता है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। देखो जब तक मैं नहीं सुन पाऊंगा ना सुना नहीं पाऊंगा, इसलिए ये सामने दो माइक को तेज करके रखो, हरे कृष्ण। इसलिए कहते ये भागवत कथा है क्या चीज, कहते ये भागवत कथा नहीं, ये स्वयं बांके बिहारी। इसलिए जिस समय भगवान कृष्ण ये जगत छोड़ करके जा रहे थे, वहां पर उद्धव जी थे, बोले प्रभु आप ये जगत छोड़ करके तो जा रहे हो, अभी मैं किसका संग करूं, सारा जीवन तो हम एक साथ में रहे। तब कृष्ण स्वयं कहते बोले हे उद्धव मैं एक स्वरूप में तो जा रहा हूं, लेकिन कलियुग में मैं दूसरे स्वरूप में भी रहूंगा। बोले प्रभु कलियुग में आप किस रूप में रहोगे, बोले तेन अयंग बांगमय मूर्ति। बोले ये जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, यदि ये भागवत ग्रंथ नहीं, ये भगवान की शब्द ब्रह्म रूप में, ये वाणी रूप में, ग्रंथ रूप में, भगवान ये कलियुग में ये ग्रंथ रूप में विद्यमान है। यदि ये कलियुग में जो व्यक्ति ये श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करेगा, बोले भागवत कथा सुनना और बांके बिहारी से मिलना कोई अलग नहीं। आप लोग कथा नहीं सुन रहे हो, क्या कर रहे हो, साक्षात बांके बिहारी से आप मिल रहे हो। इसलिए पद्म पुराण कहता है, बोले पादम जदियम प्रथम द्वितीयम
कदी भागवत में ये द्वादश स्कंध ये श्रीमद् भागवत है। कहते भागवत का प्रथम द्वितीय स्कंध क्या है, बोले बांके बिहारी का दो चरण है। बोले तृतीय चतुर्थ स्कंध ये ठाकुर का दो जंघा है। कहते ये पंचम स्कंध ठाकुर जी का नाभि कमल, षष्ठ सप्तम स्कंध ये ठाकुर का दो भुजाएं, अष्टम स्कंध भगवान की वक्षस्थल, नवम स्कंध ठाकुर की कंठ, दसम स्कंध भगवान की मुखार बिंद, एकादश स्कंध ठाकुर की ललाट और द्वादश स्कंध ठाकुर जी का सर। इसलिए ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ नहीं, ये स्वयं श्री बांके बिहारी। बोले श्रीमद् भागवत कथा प्रथम की जय, जय जय श्री राधे। इसलिए ये भागवत कथा की इसको थोड़ी सी तक खोल सकता हूँ। इसलिए एक जो भागवत कथा है, कहते स्वर्ग में देवता रूप में जन्म लेने पर भी देवता का भाग्य में भी ये भागवत कथा सुनने को मौका नहीं मिलता है, उनको नसीब में भी नहीं है। इसका तात्पर्य क्या है, कहते जो तुगलकाबाद के जो भक्त लोग हैं ना, ये भागवत कहता है आप लोग देवता से भी ज्यादा बड़े हो। किससे बड़े हो, मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत कह रहा है। इसलिए कहते स्वर्ग में देवता रूप में जन्म लेने पर भी संपूर्ण अमृत कलश लेकर के आए। अभी आपको वृंदावन में कुंभ मेला पड़ा था, आपको पता है, कभी हरिद्वार में, कभी नासिक में, कभी उज्जैन में पढ़ते हैं हम लोग। कभी कुंभ मेला में गए हो, कौन कौन गए हो कुंभ मेला में? आप देखना 15 किलोमीटर पहले कोई गाड़ी घोड़ा नहीं चलता है, चल करके जाना पड़ता है। कितना भीड़, पहले कौन स्नान करेगा, इतने उसके लिए लड़ाई झगड़ा होता है, आपको पता होगा। आपको पता है ये कुंभ मेला क्यों होता है? बोले जिस समय गरुड़ ने अपना माता को उधार करने के लिए स्वर्ग से अमृत कलश लेकर के आए थे, उन्होंने अमृत कलश उन्होंने चार जगह पर रखा था, उज्जैन, नासिक, इलाहाबाद और हरिद्वार। इसलिए 12 साल में एक बार कुंभ मेला होता है। क्यों? वो केवल अमृत कलश को रख लिया था, लेकिन आज संपूर्ण देवता लोग कहते हैं ये पूरा अमृत कलश को ले लो, लेकिन उसका विनिमय में ये भागवत कथा श्रवण कराओ। लेकिन तब भी देवता लोग सुन नहीं पाए, तब भी कथा नहीं सुन पाए। इसका तात्पर्य है जो भागवत कथा श्रवण करते हैं वो देवताओं से भी ज्यादा पुण्यात्मा। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये देवता की बात ही छोड़ दो, कहते ये स्वर्ग लोक में तो भागवत कथा है ही नहीं। बोले स्वर्ग सत्य च कैलाश है, कहते ये ब्रह्म लोक में भी ये कथा नहीं। इसलिए अगर कभी ब्रह्मा और ब्रह्माणी को कभी कथा सुनना हो, गोस्वामी जी कहते हैं बोले कथा है तो बेदे भावना बिहाई, कथा है तो बेदे गोस्वामी जी क्या कहते थे, कोई पैर को ध्यान लगा। अगर कहीं ये भागवत कथा हो, विधि मतलब ब्रह्मा, वो कहाँ रहते हैं, बोले ब्रह्म लोक में। बोले ब्रह्म लोक कहते हैं किसको, बोले ये भूर भुव मोह जन तप सत्य लोक, सबसे ऊंचाई लोग को ये ब्रह्म लोक, जहाँ पर पितामह ब्रह्मा रहते हैं। अगर ब्रह्मा जी को कहीं पता चले ना कहीं भागवत कथा हो रही है,
आप लोग कितने दूर से आए हो? कोई एक किलोमीटर होगा, कोई आधा किलोमीटर होगा, कोई दस किलोमीटर होगा। और यहाँ पर तो एक गोपी दिखा गाड़ी से आई, कुछ लोग गाड़ी से भी आए, कितना 10-20-50 किलोमीटर होगा, इससे तो ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन देखो ये पितामह ब्रह्मा कहाँ से आते हैं आपको बताएं? वो करोड़ों करोड़ों ब्रह्म लोग से करोड़ों करोड़ों किलोमीटर दूर से कथा सुनने के लिए आते, और अकेले नहीं आते हैं, वो अपना ब्रह्मानी शारदा अपना पत्नी को लेकर के आते हैं। और शंकर जी जब आते हैं ना, वो भी अकेले नहीं आते, वो भी अपना पार्वती को लेकर के आते हैं। कोई भी अकेले अकेले कथा सुनने नहीं आते। बोले क्यों? शिक्षा देते हैं, आप कभी अकेले मतलब आओ कथा सुनने के लिए, लक्ष्मी आते ना अपना नारायण को साथ में लाओ, मतलब अपना पत्नी को पति को भी साथ में लाओ। अगर पति आए ना अपना पत्नी को भी लाओ। देखो यहाँ पर ये ब्रह्मा अकेले नहीं आते हैं, देखो किस लिए, इसका कारण सुनो ध्यान से। देखो आप लोग अभी 7 दिन कथा सुनोगे ना, आप लोग स्वयं देख लेना, 7 दिन में आपका जो जीवन इतने परिवर्तन हो जाएगा, एक रूप तो लेकर के आए जब जाओगे ना, संपूर्ण रूप में दूसरे रूप लेकर के जाओगे। मतलब क्या? आपकी भावना संपूर्ण रूप में बदल जाएगी। बोले क्यों बदल जाएगी? क्योंकि जब ये ज्ञान की बात आप सुनोगे, आपको पता चलेगा ये जीवन कितना कीमती जीवन है। ये 84 लाख जन्मों के बाद भी ये जीवन भगवान एक बार देते हैं, भगवान बारंबार ये जीवन नहीं देते हैं। जिसको भगवान राम स्वयं कहते हैं, क्या कहते हैं? यदि ये मानव शरीर नहीं, बोले साधन धाम मोक्ष करे द्वारा पाई न जई पर लोक सवारा। भगवान राम कहते हैं, बोले हे अयोध्या वासियों, ये मानव शरीर नहीं, यदि ये साधन धाम मतलब इसी मानव शरीर में ही जीव भगवान को भजन करते हुए ये जन्म मृत्यु का चक्र से चिरकाल मुक्त होकर के भगवान को पास में इसी जीवन में जा सकते हो और किसी जीवन में नहीं। इसलिए बड़े भागवान सतन बाबा सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा, ये जीवन देवताओं के लिए भी और ये मानव शरीर, फिर तुगलक बाद में जन्म लेना, फिर गुजर घर में जन्म लेना। जानते हैं गुजर लोग कौन है? ये गुजर गोपियां हैं। ये गुजर किसको कहते हैं? गोपियों को गुजर कहते हैं। हैं आप लोग गोपी और गुजर वंश में जन्म लिए हो, गोपियों की वंश में, उद्धव जी जिनकी चरण की एक धूल को, उद्धव भी जैसे व्यक्ति एक चरण की धूल को वंदना करते हैं, ऐसे ये गुजर परिवार जन्म लेना कोई साधारण बात नहीं। इसलिए जब 7 दिन होगा ना, आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा, गले में कंठी तिलक लगाओगे, भजन करोगे। अगर आप अकेले आओगे, अगर पति नहीं आएगा उसको तो मन नहीं बदलेगा। अगर आप अपना भजन माला करो ना, पति लोग क्या बोलेंगे? बोले कौन सा बाबा के चक्कर में पड़ गए तुम, कौन सा बाबा के चक्कर में पड़ गए? और ये जब देखो माला लेकर बैठ जाती हो, गीता भागवत लेकर बैठती हो, अगर पति लोग आए ना, उनको अंदर में भी रंग चढ़ेगा, वो भी भगवान का भजन शुरू करेंगे। अगर पत्नियां नहीं आए ना, क्या बोलेंगे? बोले घर में कोई काम नाम धाम नहीं, जब देखो माला लेकर बैठ जाते हो, जब देख तो गीता भागवत लेकर बैठ जाते हो। इसलिए यहाँ पर जो ब्रह्मा है ना, वो अकेले नहीं आए, देवता लोग अकेले नहीं आए, वो देवियों को लेकर के आए। शंकर अकेले नहीं आते हैं, कहीं देख लेना, वो अपना पार्वती को लेकर के आते हैं। शिक्षा देते हैं कथा में, दोनों आओ, दोनों को ऊपर रंग चढ़े और दोनों भी भगवान की भजन करो, तो ना भगवान की भक्ति करो। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ज्यादा नहीं बोलो इसको, बोलो हरे राम 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 हरे, और एक बार जोर करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा। इसलिए यहाँ पर ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से कथा सुनने आते हैं। तब सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित, कभी ये ब्रह्मलोक की बात छोड़ दो, कभी ये जो भागवत कथा है, बोले कैलाश से नास्ते अमरस, ये कैलाश में भी ये कथा नहीं। इसलिए अगर कभी शंकर जी को कथा सुनना हो ना, गोस्वामी जी कहते हैं
बोले एक बार त्रेताया जोग माही, एक बार त्रेताया जोग माही, एक बार अपना सती को साथ में कहाँ से आते हैं, कैलाश से आते हैं कथा सुनने के लिए, कहाँ इस मरते जगत में आते हैं। कहते भैया कैलाश की बात छोड़ दो, बोले वैकुंठ नास्ते अमरस, भैया वैकुंठ में भी कथा रस नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं गय गरुड़ जहाँ बसई भुसुंडा, राम चरण अति भक्ति अखंडा। गरुड़ जी वैकुंठ में रहते हैं, जब गरुड़ जी की इच्छा होता है ना कथा सुनने के लिए, गरुड़ जी क्या करते हैं, वो वैकुंठ से उतर करके सी मरते जगत में कथा सुनने के लिए आते हैं। देखो ध्यान देकर सुनो, हरे कृष्णा। बाबा अभी पानी मत पिलाया करो, बाबा जी अभी पानी नहीं, अभी 10 मिनट में हम कथा को विश्राम कर देंगे, पूरा भोजन करके जाएंगे। हाँ देखो ध्यान देकर सुनो, देखो आप लोग कितने भाग्यवान, ये चीज को देखो। देवताओं को सुनने के लिए स्वर्ग छोड़ना पड़ा, ब्रह्मा को कथा सुनने के लिए ब्रह्मलोक छोड़ना पड़ा, शंकर जी को छोड़ने के लिए कैलाश छोड़ना पड़ा, गरुड़ जी को कथा सुनने के लिए वैकुंठ छोड़ना पड़ा, लेकिन तुगलकाबाद के भक्तों को कथा सुनने के लिए कुछ छोड़ना पड़ा आपको? आप बताओ आपको कुछ छोड़ना पड़ा? कुछ भी छोड़ना नहीं पड़ा। ये कथा रूपी गंगा स्वयं वृंदावन से बहते बहते आपकी घर की दरवाजा पर आ गई, और आप लोग घर में बैठी बैठ करके कथा रूपी गंगा में स्नान कर लिया। इसका मतलब है हम लोग बड़े भाग्यवान हैं जो ये श्रीमद् भागवत कथा को एक दिन नहीं हम 7-7 दिन तक कथा सुनेंगे। इसलिए स्वयं पृथ्वी महाराज कहते हैं बोले तुलया लवे नापी न स्वर्ग न पुनर्भव भगवता भक्त संगस्य मर्त्या नाम की मुताशिष। यहाँ पर श्री जब चतुसन इनकी घर में आए, साधु संघ की सत्संग की महिमा से पृथ्वी महाराज कहते हैं जीवन में अगर एक लव सत्संग हो जाए, कितना कितना एक लव, आपको पता है एक लव कितना समय होता है? जैसे एक सेकेंड, एक सेकेंड को 11 भाग करो, 11 भाग का एकमा भाग को एक लव कहते हैं। जीवन में अगर एक लव तुम्हारे जीवन में सत्संग हो जाए, ये सत्संग की इतने महिमा कर जिसको साथ में स्वर्ग और मोक्ष कभी तुम बराबर नहीं कर सकते हो। इसलिए कहते तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, कहते एक तराजू लेकर के एक तरफ में ये स्वर्ग लोग से लेकर के मोक्ष लोग तो जो आनंद है तराजू का एक तरफ में धर दो, और दूसरे तरफ में ये भागवत कथा की एक लव को धर दो तो, और ये पला भारी पड़ेगा, इतने महिमा एक लव की। और जिस गांव में 3-3, 4-4 घंटा की भागवत कथा हो, फिर समझो आप लोग कितने पुण्यात्मा है, बड़े पुण्यात्मा है। अभी प्रश्न होता है, आप लोग बोलोगे भैया ये कथा सुनने से क्या लाभ होगा, ये कथा सुनने हम घर में अगर ये समय को देते, घर का तो कुछ काम काज होता, लेकिन यहाँ 3-3, 4-4 घंटा बैठ कर हमें कुछ लाभ होगा कि नहीं? कहते भैया भागवत कथा में जो तुमको लाभ मिलेगा ना, आप कलयुग का जीवन है ना, जब तक देख ले माल नहीं मिलेगा तब तक हम कोई काम नहीं करते, सबसे पहले अपना मतलब देखते हैं, है तभी जाकर कोई काम करते हैं। इसलिए भागवत में ये राधा रानी स्वयं कहती हैं,
अगर आप लोग 7 दिन तक कथा सुनोगे आपको 7 चीज प्राप्त होगा। कितना चीज मिलेगा बोलो जोर से। देखो ये कौन कह रहे हैं, राधा रानी कह रही, बोले कब कह रही हैं, जब रास करते करते कृष्ण अंतर ध्यान हो गए, गोपियों ने बोले देखो कृष्ण को उनका भजन उससे प्यारा है, चलो हम बैठ करके जमुना किनारा में हम भजन गाएंगे। जब गोपियों ने गोपी गीत गाए, वो गोपी गीत में ये कृष्ण कथा की, ये भागवत कथा की क्या महिमा, ये स्वयं श्री राधा रानी कहती है। आप लोग जो पीछे बैठे हो आवाज आ रही है आप लोगों को, किसको किसको आवाज आ रही है, हाथ उठा दो, सबका आ रही है, केवल हमें नहीं आ रही, एक बक्से इस तरफ में लगा देना ठीक है, तो आवाज इधर ज्यादा आई। इसलिए देखो ये राधा रानी क्या कहती है, देखो आज केवल कथा की महिमा सुनते हैं, इसलिए सुनाता हूँ, नहीं तो आप लोग नहीं आओगे, बोले आप चिंतन घटा क्यों बैठेंगे, जब इसकी लाभ सुनोगे ना तब कथा सुनने के लिए आओगे। ये राधा रानी कहती है बोले तब कथा मृता ये कथा नहीं तब कथा अमृतम। इसलिए भागवत का एक नाम है अमर कथा। क्या नाम है ये अमर कथा, कौन किसको सुनाया था, कहते सर्वप्रथम शंकर जी ये अमर कथा पार्वती को अमरनाथ में सुनाए, इसलिए भागवत का एक नाम पड़ गया अमर कथा। मतलब ये कथा को जो सुनेगा वो अमरत्व को प्राप्त होगा। इसकी कथा सुनाते हैं, बोले एक समय श्री नारद जी आए कैलाश में, और उसी समय में शंकर जी गए थे सत्संग में। आपको पता है नारद जी क्या काम करते हैं, आप कहते ना तो क्या नारद जी क्या काम कर रहे हैं, मतलब क्या है, क्या झगड़ा लगा रहे हैं, इसलिए ऐसी बात नहीं, नारद जी परम संत हैं, इनके बगैर तो कोई प्रभु का लीला ही नहीं हुई, उनने जो कुछ किया प्रभु को लीला करने के लिए। जब नारद जी कैलाश में आए माता पार्वती जी, इतने में हमारे पार्वती मैया ने नारद जी को पूछे, बोले नारद बाबा कहाँ से आ रहे हो, सब ठीक ठाक हो, इतने में नारद जी ने कहा माता पार्वती आपको बार में हमें सोच करके ना बड़ा तकलीफ होता है। बोले क्यों क्या बात, बोले बोल करे क्या होगा, बात छोड़ दो ना, अगर माता को कोई आधी बात बोल दे ना पेट में हजम नहीं होता, जब तक वो पूरी बात नहीं सुनते हैं, बोले बताओ ना, बोले बोल करे क्या होगा, बात छोड़, अभी तो पार्वती और उत्कंठा पड़ गया, बोले बोलो ना क्या बात है, बोले आपको पता है शंकर जी की भी, शंकर जी की और भी कोई पत्नी है आपको पता है, देखो माताएं हर चीज को हजम कर ले, अगर उनको बोल दो ना तुम्हारे पति की और भी कोई एक प्रेमिका, माताएं ये चीज को कभी हजम नहीं कर सकती है। अभी तो बोले पता कैसे चलेगा, बोले देखो जब आज शंकर जी आए एक काम करना, आप मान भवन में लेट जाओ, जब शंकर जी हैं पूछेंगे उनको पहला प्रश्न करना, आपकी गले में जो मुंडे की माला किसकी, सब रहस्य पता चल जाएगा। बस नारद जी इतना झगड़ा लगाए, नारद तो भाग नहीं वहां से, इतने में शंकर जी आ रहे थे, देखा नारद जी बड़े तेजी से जा रहे थे, बोले नारद बाबा रुक जाओ, बोले आज बड़ा अर्जेंट काम है, वो समझ गए कुछ गड़बड़ी दाल में कुछ डाली है। जब घर में आए देखा माता पार्वती मान भवन में ले गई, शंकर जी जब उनके ऊपर जाकर हाथ रखा ना, माता तो पार्वती हाथ उठेगी, बोले मैं तो पहले सोच रही थी आप तो भोले बाबा, हम देखा बड़ा कपटी बाबा आप, बोले कैसे हैं, बोले कैसे, बोले बताओ, बोले ये बताओ आपकी गले में जो मुंडे की माला किसकी, आप किसको धारण करके रखे हो, बोले तुम्हारी, बोले मेरी, मेरे तो सर तो मेरे शरीर में, आपको गले में कैसे आ गया हैं, बोले पार्वती तुम्हें पूर्व जन्म की बात बताई नहीं, पूर्व जन्म में तुम सती थी, तुम्हारे पिता मेरे को अपमान की
इसलिए तुमने कनखल में जाकर के अपना शरीर त्याग दिया। बोले एक जन्म नहीं, कितने जन्म से तुम शरीर त्याग देती हो, तू मेरी बड़ी प्यारी हो, क्योंकि जब मैं कथा सुनाता हूँ बड़े ध्यान से तुम कथा सुनती हो। आप देखना, जितने पुराण आप देखोगे शंकर पार्वती का सब संवाद है, शंकर जी सुना रहे हैं और माता पार्वती सुन रही है। तेरी जैसे श्रोता जगत में कोई नहीं, पर वो वैष्णव है। पार्वती का एक नाम वैष्णव है ना, जो भगवान की से भक्ति करती हैं। इसलिए जब जब तुम शरीर त्याग देती हो तब तक तेरे मुंड को सर को मैं अपना गले में माला रूप में धारण कर लेता हूँ। पार्वती बोली, प्रभु पहले तो मैं सोच रही थी आप तो कोई छोटी मोटी कपटी हो गई, अभी मैं देखता हूँ बहुत बड़ी कपटी आ गई। बोले क्यों? बोले आप ये बताओ, ऐसे कौन सा अमर बोटी को आपने पान करके रखे हो जो आप मरी नहीं हो, मैं मरती जा रही हूँ। बोले पार्वती, जब से मैंने ये श्रीमद् भागवत कथा रूपी अमर बोटी को मैंने पान की, तब से मैंने अमरत्व की प्राप्ति की। देखो ध्यान देख रहे, सुनो ये बात को कौन कह रहे हैं? सत्यम शिवम सुंदर देवदेव महादेव जोगी जोगी महाजोगी स्वयं शंकर जी कहते हैं, केवल ये भागवत कथा सुन करके ही मैंने ये अमरत्व को प्राप्त की। पार्वती बोली, प्रभु मेरे को भी सुना, फिर हम दोनों ही अमर बन जाएंगे, मैं मरती जा रही हूँ आप मर नहीं रहे हो। बोले देखो पार्वती, ये कथा को सभी नहीं सुन सकते। बोले मैं तो सुन सकती ना। बोले हाँ, तुम श्रद्धा की प्रतीक हो, तेरी अंदर में भक्ति श्रद्धा, तू कथा सुन सकती हो। बोले सुनाओ। बोले यहाँ नहीं, चलो तेरे को मैं अमरनाथ ले चलता हूँ, वहां पर बट वृक्ष को नीचे, वहीं पर पार्वती को। बोले पार्वती हुंकार भरते रहना, मेरे को पता चले कम से कम तू कथा सुन रही हो, फिर मैं कथा सुनाऊंगा। बोले ठीक है। शंकर जी जयकार दिए, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। शंकर जी कथा सुनाते 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 इतने में माता पार्वती हुंकार भर रही थी, हुंकार भर रही थी, और इतने में माता पार्वती सो गई। जब सो गई, उसी वृक्ष के ऊपर में एक तोता भी बैठ करके कथा ये क्या कर रहे थे, एक तोता भी बैठ करके ये कथा को वहां भी सुन रहा था। लेकिन देखा माता जी तो सो गई, मैया का हुंकार भरना बंद हो गया, भोले बाबा कथा बंद कर देंगे, मेरी भी कथा अधूरी रह जाएगी। वो तोता भी हुंकार भरना शुरू कर दिया। बोले बड़ी प्यारी कथा, आगे सुनाओ। उसको बाद में क्या हुआ, शंकर तो सुना तो सुना भी जा रहे थे। इतने में जब कथा की विश्राम हो गई, फिर शंकर जी जयकार दिए, बोले श्रीमद् भागवत कथा अमृतम की जय। देखो भैया, हम भी बीच बीच में जयकार देते हैं, क्यों? आप देखना किसी की चुगली हो ना, कान खड़ा हो जाएगा, अगर सोया होगा तो जग जाओगे। लेकिन जहाँ भगवान की कथा हो ना, वो जो सुलसुलानी झुलझुलानी आ जाती है, ये कथा में ये जरूर आ जाती है। क्योंकि ये जम महाराज के तीन बेटी हैं। एक दिन जम महाराज बड़ा परेशान थे, उनकी तीन बेटियां थी। बोले बाबा क्या बात, किसने परेशानी? बोले ये संत लोग आकर के ज्ञान की बात सुना सुना करके सबको भजन में लगा रहे हैं, और सबके सब भजन करके भगवत धाम में जा रहे हैं, मेरा नरक तो खाली हो रहा है। बोले चिंता क्यों करते, अपना तीन बेटी है ना, बताओ क्या करना पड़ेगा। सबसे छोटी बेटी का नाम थी झिमझिमानी। बोले कहीं भी कथा हो ना, तुम जा करके जो कथा सुनते हो उनका सर्वर बैठ जाना, अपने आप जब भाई आने लग जाएगी, अपने आप तुम्हारी आलसता आने लग जाएगी। दूसरे का नाम थी झुलझुलानी। बोले दूसरे नंबर में तू बैठ जाना, वाह झूमने लग गए, हाँ झूमने लग जाएगा। और तीसरा का नाम सुलसुलानी। बोले तू जो बैठ जाओगे ना, हाथ पैर फैंकर सो जाएंगे, इसलिए आप भी उनसे दूर रहना। बोले श्रीमद् भागवत कथा अमृतम की जय। इसलिए अभी माता पार्वती तो जग गई। बोले उसको बाद में किया था, बोले कथा तो विश्राम हो गया, बोले मैं तो बीच में सो गया था। बोले सो गई से रही, अभी धोखा बन रही थी। बोले नहीं मैं तो सो गई थी। शंकर जी ने देखा ये भागवत कथा नहीं, ये अमर कथा। आप गीता पढ़े होंगे, कृष्ण स्वयं अर्जुन को कहते, बोले अर्जुन मैंने तुमको जो ये ज्ञान की बात बताई ना, अभक्त आए कदा चल, अभक्त को नहीं करते। भगवान कपिल देव जब माँ को ज्ञान की बात बताते, बोले माँ ये कथा रूप में मैं स्वयं हूँ, अनधिकारी व्यक्ति को ये कथा नहीं सुनानी, मना कर देते हैं।
हैं, इसलिए कथा को अनधिकारी व्यक्ति सुन नहीं सकते हैं, हैं? इसलिए बोले भैया ये कथा तो अमर कथा, अगर कोई कथा सुनकर फिर अमर बन जाएगा तो कोई दुष्ट व्यक्ति फिर जगत के लिए हानिकारक। शंकर जी ने देखा किसने कथा सुनी, देखा है कि तोता बैठ कर कथा सुन रहा था। शंकर जी उठाया त्रिशूल और उसको पीछा किया, वो जहां जाए पीछे भाग रहे हैं। करते करते जब ये पहुंचे बद्रीनाथ में, वहां पर भी व्यास देव अपना पत्नी बिटका को भी यही भागवत कथा सुना रहे थे। और माता बिटका जैसे हम कथा सुनते हैं मुंह फाड़ करके मुंह खोल करके वो कथा सुन रही थी भाव से, इतने में वो तोता सूक्ष्म रूप में जाकर के उसको अंदर में प्रवेश कर गए। शंकर जी जब वहां पर पहुंचे, इतने में व्यास देव जी ने कहा, बोले बाबा कहाँ से हाफते हाफते आ रहे हो? बोले बड़ा अनर्थ हो गया। बोले क्या हो गया? बोले एक तोता ने अमर कथा सुन लिया। बोले ये अमर कथा का मतलब क्या? बोले जो सुनेगा वो मरेगा नहीं। बोले आप उसको मारने के लिए कैसे आ रहे हो? आप स्वयं कह रहे हो ये अमर कथा, जो सुनेगा वो मरेगा नहीं, पर इसका पीछा कैसे कर रहे हो मारने के लिए? शंकर जी का नाम भोले बाबा है, कितना भोले बाबा, सचमुच से आप भोले ही हो। शंकर जी ने देखा भैया बात तो सही है। इतने में शंकर जी ने देखा, देखो ये भागवत कथा में सभी नहीं बैठ सकते, कितना जन्मांतरे भवेत पुण्यम तथा भागवत लभ्यम, तभी कोई कथा सुन सकते हैं जिनकी कोई करोड़ों करोड़ों जन्म का कोई पुण्य उदया हो वही कथा सुन सकते हैं। अगर ये तोता अगर साधारण तोता होता तो वो कभी भी 7 दिन तक बैठकर कथा नहीं सुन सकता है, जरूर ये कोई पुण्यात्मा होगा, ये तोता कोई पुण्यात्मा होगा। इतने में शंकर जी अपना ध्यानस्थ हुए, बोले भैया ये तोता कौन है, ये कथा सुनी तो सुनी कैसे? जब ध्यानस्थ हुए तो उन्होंने सब कुछ देखा, क्या देखा? बोले प्रिया सुख श्री वृषभानुजाया पवित्र चंचो प्रिय चुम्बनीना एकांत कनन रहस्य पाठी निकुंज प्रासाद सदा निवासी। इसलिए शंकर जी ने देखा जैसे भगवान राम जब अयोध्या छोड़ करके गए, पूरा अयोध्या वासियों को प्रभु लेकर गए, लेकिन एक व्यक्ति को छोड़ कर गए, बताओ तो किसको छोड़ कर गए? बोलो कौन बोलेगा? भगवान राम तो सबको लेकर गए लेकिन एक व्यक्ति को साथ नहीं मिला। मैया के लिए ताली बजा सकते गए, एक श्री हनुमान को रख कर गए। बोले क्यों? बोले अगर हनुमान तू चला जाओगे फिर मेरे भक्ति जगत में कौन प्रचार करेगा, लोगों को राम का भक्ति के बारे में पता कैसे चलेगा? इसलिए हम कहते हैं ना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, हनुमान को रखने गए। उसी तरह जो भगवान ये जगत छोड़ कर गए, भगवान कृष्णा इसको छोड़ कर गए तोते को, बोले तोता अगर तू चला जाओगे फिर मेरे भक्ति जगत में कौन प्रचार करेगा? जब तोते को छोड़ कर चले गए, बोले तोता कौन है? बोले निकुंज प्रासाद सदा निवासी, राधा रानी की निकुंज महल में ये रहता था। कभी कभी राधा रानी उनको चुंबन करती थी, आना रखी दाना खिलाया करती थी, बोलती थी बोलो तो कृष्ण कृष्ण, वो तोता भी बड़ा सुंदर बोलता था कृष्ण कृष्ण। बोले एक दिन ये तोता ये कृष्ण के हाथ से उड़ते हुए चला गया बरसाना। ये तोता हाँ ये तोता राधा रानी इसको पालन करती थी, कभी ये बरसाना से उड़ते उड़ते कभी चला गया कहाँ पर? चला गया नंदगांव में। और एक दिन नंदगांव में एक पेड़ के ऊपर बैठ करके बड़े सुंदर राधा रानी की भजन कर रही थी। बोले राधे का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे, राधे का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे, श्यामा का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे, श्यामा का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे, राधे
राधा रानी की बड़ी सुंदर भजन गा रहे थे। इतने में कृष्ण ने बुलाया और तोता आकर कृष्ण को हाथ में बैठ गया। बोले बड़े सुंदर भजन गा रहे हो। इतने में ये जो तोता किसकी तोता है? बोले ये प्रिया सुखश्री वृषभानुजा है, ये राधा रानी की ये प्रिय तोता है। इसलिए ये प्रिय तोता होने का नाते उनको श्याम सुंदर जगत में छोड़ कर गए थे। यही तोता ही दुखी होकर के जब अमरनाथ में पहुंचे, देखा शंकर जी भागवत कथा माता पार्वती को सुना रही, तब उन्होंने ये भागवत कथा को उन्होंने श्रवण किया। वही तोता ही उन श्री किसको गर्भ में, पिटका को गर्भ में प्रवेश किया और वही तोता श्री सुखदेव गोस्वामी रूप में प्रकट होकर के और ये भागवत कथा सुनाएंगे। शंकर जी अपना दिव्य दृष्टि से उन्होंने सब कुछ देखा, समझ गए कथा सुनाना सार्थकता हो गया। यही सुखदेव बन करके आएंगे और कथा को ये परंपरा को ये आगे बढ़ाएंगे। शंकर जी प्रणाम करते हुए चले गए। देखो ध्यान देकर सुनो ये कथा की कितने महत्व है। शंकर स्वयं कहते हैं कथा सुनकर मैंने अमरत्व को प्राप्त की। माता पार्वती तब तक शरीर को छोड़ते रहे, कब तक? जब तक ये भागवत कथा नहीं सुने। जब तक ये कथा नहीं सुने तब तक पार्वती भी कितना बार शरीर छोड़ी, लेकिन जब से उन्होंने कथा सुने तब से इन्होंने अमरत्व को प्राप्त की। इसलिए राधा रानी कहती ये कथा नहीं तब कथा अमृतम, ये तुम्हारी कथा अमृत है। तुम्हारी कथा जो कथा सुनेगा जगत में अमर हो जाएगी। सचमुच से जिन्होंने कथा सुने ना वो जगत में अमर हो गए। हनुमान अमर हुए कि नहीं, मीरा अमर हुई कि नहीं, गोस्वामी तुलसीदास अमर हुए कि नहीं, नरस भक्त अमर हुए कि नहीं, ध्रुव प्रह्लाद नारद अमर हुए कि नहीं? अमर हो गए ना, भागवत में नाम लिखे। अगर हम भी ये कथा सुनेंगे ना आप भी एक दिन अमरत्व को प्राप्त करोगे। इसलिए राधा रानी कहती है कथा सुनने का पहला फल है जो ये कथा सुनेगा जगत में ये अमर बन जाएगी। बोले श्रीमद भागवत कथा अमृतम की जय। इसका दूसरा लाभ क्या है? बोले तप्त जीवन। संसार में हम सब दुखी है, दुखी है कि सुखी हो? कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई घर से दुखी, कोई बीवी से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई बेटी से दुखी, कोई बेटा से दुखी, कोई पैसा से दुखी, कोई सांस से दुखी, कोई ननद से दुखी, कोई पड़ोस से दुखी। ऊपर ऊपर बोलो ना कैसे ठीक ठाक हो, लेकिन किसकी अंदर की बात पूछो। कोई कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुख सुखी राम की दास। देखो कहते कथा सुनने का दूसरा फल है जो उत्तप्त जो जीवन है तुम्हारी, जो दुखमय जीवन है सबके सब शांत हो जाएंगे, समस्त दुख दूर हो जाएगा। देखो इसका प्रमाण देखो, मानो यहाँ पर हम दो घंटा बैठेगी, सबके सब हम संसार में दुखी है, लेकिन जब कथा सुन रहे हो बताओ संसार का कोई दुख तुम्हें याद है अभी? संसार का कोई दुख तुम्हें अभी याद है? कोई याद नहीं। लेकिन कथा क्या है? कथा नहीं बोले ठाकुर का गोद में बैठे। जो भागवत कथा सुनते हैं वो बांसी बिहारी की गोद में, ठाकुर जी की गोद में बैठे हो। यहाँ पर कथा नहीं सुन रहे हो, केवल ये कथा से बाहर निकलो। ये केवल मंदिर की बाहर प्यार रखते ही ना मन में क्या आएगा, घर में ये समस्या, घर में ये लड़ाई, घर में ये झगड़ा, बेटा बात नहीं सुनता, भोग साथ में व्यक्ति नहीं। देखा जब तक यहाँ बैठे का कोई याद नहीं आएगी, केवल ये गेट से पार होते है ना जितने दुख आकर के पहाड़ रूप में सर्ग पर बैठ जाए। इसलिए राधा रानी कहती है जो कथा सुनेगा ना तप्त जीवनम, तुम्हारे जितने उत्तप्त जीवन है जितने दुखमय जीवन सबके सब शांत हो जाएगा। हैं अगर हर समय अगर कथा सुनते रहो तो कोई दुखी नहीं रहता। बोलो आप बोलो कि हम थोड़ी बाबा है थोड़ी दिन घर जाने पे काम गा देना, लेकिन हमारे शास्त्र कहता है अपना घर को ही वृंदावन बना। घर में झाड़ू लगाओ, कहाँ झाड़ू लगा रहे हो? बोले भगवान की मंदिर। रसोई बना रहे हो, किसके लिए रसोई बना रहे हो? ठाकुर जी के लिए। अपना श्रृंगार करती हो, नहाती हो, बोले क्यों? बोले अच्छे कपड़े पहन कर तब तो ठाकुर को सेवा करेंगे। बच्चे को थपथप लगा करके सुला रहे हो, बच्चे किसी ने दिया? ठाकुर ने दिया। पैसा कमा रहे हो, बोले किसके लिए? बोले लक्ष्मी, लक्ष्मी तो नारायण की सेवा के लिए, ठाकुर को सेवा के लिए कमा रहे हो। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं तब तक ये माया है जब तक हम ठाकुर को साथ में इसको जोड़ नहीं देते।
जब ठाकुर का साथ में जोड़ भगना फिर वो माया नहीं, फिर वो साक्षात जोग माया, वो साक्षात मारा राधा रानी को लगती है। इसलिए सब कुछ करो घर में रहो, लेकिन अपना घर में भगवान की भक्ति करते हुए रहोगे ना, फिर तो घर में रहने पर भी ये दुख कष्ट तुम्हें नहीं सताएगा, दुख कष्ट तुम्हें याद नहीं आएगा। गोपियां तो घर में थी, गोपियां अपने घर वाले छोड़कर चली गई थी थोड़ी, गोपियां तो घर में थी लेकिन जब काम करती थी हाथों में कृष्ण सेवा के लिए, और मुंह में क्या करती थी, एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण हरे, हम लोग कोई बोलते नहीं हो, कृष्ण हरे 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 राम राम, जोर करके जोर करके बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 दूसरा लाभ है दुख कष्ट दूर हो जाएगा। बोले तीसरा लाभ क्या, बोले कलमा साहब, तो जितने तुम्हारे जीवन का पाप सब के सब नष्ट हो जाएगा। बोले चौथा लाभ क्या, बोले श्रवण मंगलम, भगवान की कथा सुनेंगे तो कहते ना मंगल भवन अमंगल हरि ठाकुर जी कथा, भगवान की कथा सुनोगे जीवन का सारे दुख कष्ट सारे अमंगल दूर हो जाएगा। पंचमा लाभ बोले श्री श्री मतलब लक्ष्मी, जो कथा सुनेंगे ना खूब घर में माल भी आएगा, खूब घर में पैसा आएगी, सौभाग्य सौंदर्य सब कुछ प्राप्त होगा कथा सुनने पर है। बोले ता मतलब संसार का बंधन भी खत्म हो जाएगी। इसलिए राधा रानी कहती है, हे श्याम सुंदर, जगत में बहुत बड़ा बड़ा दान है, लेकिन जगत में जो कृष्ण कथा को जो दान करते हैं, कृष्ण भागवत कथा को जो दान करते हैं जगत में, वो सबसे बड़ा दान जो कथा दान करते हैं। बोले श्रीमद भागवत कथामृतम की जय, जय जय श्री राधे। लगता है हम लोगों को भूख लग गया होगा ना, और 5 मिनट ठीक है। देखो ये भागवत कथा की जो महिमा, ये 2 पुराण में आती है, कहते एक पद्म पुराण और एक स्कंद पुराण, हम जल्दी जल्दी कथा कर देते हैं। तब इसमें जो पद्म पुराण की जो कथा है उसमें 2 कथा आती है, एक तो ज्ञान वैराग्य और एक धुंधुकार, ये 2 कथा उसमें आती है। कथा तो बोलने के लिए 3 घंटा चाहिए, लेकिन 5 मिनट में आपको विश्राम कर देता हूँ, क्योंकि आप लोग को प्रसाद मांगकर घर में जाना और कल से टाइम से आना, ठीक है। कितने बजे आना चाहते हो, कथा कितने से कितने बजे तक हो, आप लोग कथा में आ सकते हो, बोलो तो, बोलो सबके साथ। 2 बजे से, 2 बजे से लेकर कब तक, 4 बजे तक, 5 बजे तक, 2 से 5 बजे तक, ठीक है ठीक है। देखो इधर सुना, 2 से 5 है कथा, 2 से 4 बोल रहे, कोई बोले 5, कोई बोले 6, कोई बात नहीं, ठीक है। देखो इधर, देखो देखो इधर सुना, आपको बोल दिया कथा 2 से होनी चाहिए, ऐसे नहीं तुम लोग खुद ही 5 बजे आओगे। अब देखना सिनेमा देखना हो ना, आधा घंटा पहले सब जाते हैं, लाइन लगाएंगे फिर टिकट बनाएंगे, लेकिन कथा की बात अगर बोले 2 बजे आएंगे 5 बजे नहीं। नियम है कथा कैसे सुननी चाहिए, बोले कथा हनुमान कैसे सुना, कैसे कथा कैसे सुननी चाहिए, हनुमान देखना कथा से सबसे पहले श्री हनुमान दिया, कहीं भी राम कथा हो ना सबसे पहले हनुमान का तस्वीर लगता है, क्योंकि राम कथा के सबसे बड़ा रसिया श्री हनुमत लाल है। इसलिए नियम है कथा सुनने के लिए सबसे पहले आओ, तभी तो जो मांगोगे तभी तो फल मिलेगा ना, इसलिए कथा सबसे पहले आओ। हनुमान जी कब जाते हैं, जब कथा एकदम विश्राम हो जाए, हाथ जोड़ करके गदगद होकर कथा सुनते हैं, हैं असुरों को विसर्जन करते हुए, और जाते हैं कब, जब कथा विश्राम हो जाए, सबको प्रणाम करते हुए, कथा स्थान को श्रोता को वक्ताओं को सबको प्रणाम करते हैं, और वहाँ का धूल अपना शरीर पर लगा करके तभी हनुमान की कथा से जाते हैं। जय श्री राम, बोले श्री हनुमत लाल की जय। इसलिए टाइम से आएंगे तो अरे हम टाइम से भी कथा को विश्राम दे देंगे, क्योंकि घर में आप लोगों को जाकर के अपना घर गृहस्थ भी देखना, ठीक है ना। इसलिए भागवत में एक आता है ज्ञान और वैराग्य है, ये ज्ञान वैराग्य एकदम बूढ़े हो गए थे,
नारद जी कोशिश किया ज्ञान बैराग्य को चेतना दिलाने के लिए, वेद पुराण उपनिषद एक एक करके बोले, किसी तरह से उनको चेतनता नहीं हुई। लेकिन जब उनको कानों में ये भगवत गीता सुनाए, थोड़ी सी उन्होंने आँख को खोली। लेकिन जब गीता समाप्त होगी ना, राम करेगी गिरी। नारद जी ने सोचे गीता क्या है, बोले जा स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्म विनिर्सित, ये भगवान कृष्ण की मुंह से निकली हुई भगवत गीता। कभी गीता सुन करके भी इनकी ज्ञान वैराग्य को चेतनता नहीं हुई। लेकिन जब चतुर्सेन से मिले, बोले ये तो बहुत सरल उपाय है। बोले क्या? बोले श्रीमद भागवत कथा सुना। जब हरिद्वार में श्रीमद भागवत कथा उन्होंने सुनाने के लिए गए, ये कथा सुनने के लिए कौन आए? आप लोग तो अपना गांव से आए हो। कहते पहले तो वैष्णव लोग कथा सुनने के लिए आए, क्योंकि जो श्रीमद भागवत ग्रंथ जत वैष्णव नाम प्रियम, ये वैष्णव का ग्रंथ है। सर्वप्रथम वैष्णव लोक आए, उसको बाद में ब्रह्म लोक से, देव लोक से, और जितने ऋषि मुनि, जितने गया गंगा प्रभास, जितने अयोध्या मथुरा माया, सारे तीर्थ सबके सब कथा सुनने के लिए आए। जो नहीं आए, अगस्त ऋषि घर घर में गए, बोले आपको पता है चतुर्सेन भागवत कथा हरिद्वार में कर रहे हैं, सारे को सारे जितने व्यक्ति कथा सुनने के लिए आए। जब कथा प्रारंभ करने जा रहे थे, इतने में स्वर्ग से देवता लोग भी प्रसन्न होकर के पारिजात पुष्प की बौछार और भागवत की जयकार लगाए। बोले श्रीमद भागवत कथा कोई आप लोग का अंदर कोई जय कोई नहीं बोल रहे, जोर से बोले सबके सब। बोले श्रीमद भागवत कथा देखो इसका तात्पर्य समझो, अगर कहीं ये भागवत कथा हो, ये कथा की इतने महिमा है, कौन जयकार देते हैं? स्वर्ग से देवता लोग भी प्रसन्न होकर के पारिजात पुष्प की बौछार करते हैं, वे भी प्रसन्न होकर जयकार देते। क्यों? ये भागवत कथा बड़े भाग्य से ये कथा सुनने को मिलती है, इसलिए वहां पर स्वयं भक्ति देवी भी अपना दोनों बच्चे ज्ञान बैराग्य को लेकर के आए। जब उन्होंने कथा को उन्होंने प्रारंभ की, कथा सुन करके ज्ञान बैराग्य एकदम जवान हो गए, भक्ति देवी स्वयं जवानी बन करके वहां पर प्रकट हुए, सुखदेव गोस्वामी साक्षात प्रकट हुए, वहां पर नारद जी वीणा बजा रहे थे और वहां पर श्री अर्जुन पखवाज बजा रहे थे, उद्धव जी स्वयं वहां पर मजरा बजा रहे थे और सब के सब भजन गा रहे थे। बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय स्वयं जुगल संकर प्रकट हो, स्वयं राधा कृष्ण। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य है अगर कहीं ये भागवत कथा हो, ये कथा के प्रभाव से स्वयं ठाकुर भी प्रकट होते हैं। और भक्ति की दो बेटे कौन कौन है? बोले एक ज्ञान है और एक वैराग्य। तब यहाँ पर कहते हैं भैया ज्ञान वैराग्य भक्ति के बेटे कैसे? क्योंकि ज्ञान से भगवान नहीं मिलते हैं, भक्ति से भी ठाकुर नहीं मिलते हैं, भगवान तो केवल भक्ति से मिलते हैं। पर ये ज्ञान वैराग्य उनके बेटे कैसे हो गए? जब ये चीज को समझो, अगर समझ पाओगे तो। क्योंकि यहाँ पर जो ज्ञान है ना, ये भक्ति युक्त ज्ञान, और एक ज्ञान होता है ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान मतलब जो जीव चाहता है वो अंतिम में वो ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते हैं। क्योंकि ये ज्ञान को द्वारा प्रभु नहीं मिलते हैं, लेकिन जो भक्ति युक्त जो ज्ञान ये चाहिए। जैसे अभी हम कथा सुन रहे हैं, भैया अभी तक ज्ञान नहीं, लेकिन ये ज्ञान किसको मदद करने वाली? प्रेम को, भगवान की भक्ति को बढ़ाने वाले। वैराग्य, भले वैराग्य से ठाकुर नहीं मिलते हैं,
लेकिन ये वैराग्य जो है विशेष पूर्वक अनुराग ठाकुर जी चरण में, इसलिए कहते ये भक्ति की कहते ये दो बेटे हैं, अगर ये बेटे अगर जवानी नहीं होना फिर तो भक्ति में रोती रहेगी, लेकिन ये जवानी कैसे होएगी अगर ये भागवत कथा आप सुनोगे, ये भक्ति के जो दो बेटे, तो बेटे ज्ञान और वैराग्य, ये क्या होगा, भक्ति की ज्ञान भी बढ़ेगी और कथा सुनते सुनते ठाकुर जी चरण में अनुराग भी बढ़ेगा, केवल भागवत कथा के द्वारा। लेकिन ये कथा की इतने प्रभाव की, कथा प्रभाव से जितने लोग वहां पर बैठे हुए थे, यहाँ तक भी जितने पशु पक्षी कीड़े मकोड़े थे ना, ये भागवत कथा प्रभाव से सब के सब मुक्त होकर वैकुंठ चलेंगे। अभी नारद जी को तो बड़ा आश्चर्य हुआ, तो वो प्रश्न करते हैं अगर कोई प्रेत योनि में पड़ा हुआ हो किसी तरह से उसको मुक्ति नहीं होती है, क्या कथा सुनकर को उन्हें भी मुक्ति मिलेगी। तब उन्होंने गोकर्ण गुंडकारी की कथा उन्होंने सुनाई, आप लोग कथा सुने होंगे, श्री आत्मदेव घर में सब कुछ शांति सुख था। एक व्यक्ति पहला क्या चाहता है, उच्च कुल में जन्म हो, ब्राह्मण घर में जन्म हो, उसको बाद में क्या चाहता है, सुंदर शरीर हो, बोले द्वितीय इव भास्कर, दूसरे सूरज जैसे चमचमाए हुआ करते थे, तीसरा घर में पैसा हो, पैसा के थाने, चौथा चाहते घर में बीवी भी बड़ी सुंदरी हो, घर में पत्नी भी बड़ी सुंदर थी धुंधुली, लेकिन सब कुछ होते हुए भी घर में कमी थी, घर में बेटा नहीं था। देखो ये चीज को समझो, जो पैसा है ना, पैसा को कहते लक्ष्मी, लक्ष्मी किसकी है, कहते ये लक्ष्मी नारायण की है, अगर ये लक्ष्मी अगर नारायण की सेवा में नहीं लगेगा ना, घर में भले ही तुम्हारी जितना पैसा आ जाए देखना घर में शांति सुख नहीं रहेगी, घर में शांति सुख नहीं मिलेगी। वो बड़ा कंजूसी था, एक पैसा भी भगवान का मंदिर में संत सेवा में एक पैसा भी नहीं देता था, लेकिन पैसा के अधिष्ठात्र देवता स्वयं नारायण है, अगर लक्ष्मी नारायण की सेवा में लगे तो घर में लक्ष्मी तरह शांति सुख देगी, नहीं तो घर में कलह लगा देगी, लड़ाई लगा देगी, बड़ी बीमारी दे देगी, सारे मामला मुकदमा लगा कर सारे पैसा भेज देगी। इसलिए ये चीज को याद रखो, लक्ष्मी को भगवान की सेवा में लगानी चाहिए, मतलब घर में जो खाना बनता है पहले ठाकुर जी को भोग लगा, हर चीज पैसा से खर्ची करते हैं, अगर ठाकुर का तुलसी दल से भोग लगाया बस लक्ष्मी तो नारायण की सेवा में लग गई, लक्ष्मी घर में सुख देगी। इसलिए पंजूसी था, इसलिए घर में कोई बेटा नहीं, बड़ा दुखी हो गया, दुखी होकर के उसने आत्महत्या करने के लिए गया। जब भगवान किसी को ऊपर कृपा करते हैं, ब्राह्मण नहीं तो संत रूप में ही कृपा करते हैं, एक दिन स्वयं जब रो रहा था इतने में माना ठाकुर जी संत रूप में आए, बोले बेटा क्यों रो रहे हो, बोले घर में कोई संतान नहीं, तब उन्होंने समझाए बोले देख बेटा घर में अगर संतान नहीं है ठाकुर को संतान मान लो, घर में गोपाल लड्डू गोपाल रख लो, ठाकुर जैसे कोई बच्चा होगा ठाकुर ही तरह सही सेवा करेंगे, लेकिन जगत का बेटा कभी कभी क्या होता है उसको 9 दिन तक गर्भ में धारण करो, लिखा पढ़ाओ बड़ा करो, लेकिन घर में जो बहू आ जाए ना एक रात में ऐसे मंत्र देती है दूसरे दिन बेटा का बुद्धि खराब हो जाती है, लेकिन भगवान कभी ऐसे नहीं। ये वृंदावन में कोई बूढ़ी माता रहती थी, इसका एक बूढ़ी माता रहती थी और लड्डू गोपाल को सेवा करती थी, ये सही घटना वृंदावन में, लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, जब वो बूढ़ी हो गई ना और ठाकुर को चिंता के बदले ठाकुर को सेवा की, और बूढ़ी हो गई फिर उनको सेवा कौन करेगा, कृष्ण स्वयं, ठाकुर स्वयं उनकी सेवा करते थे हैं। इसलिए भगवान को अगर बेटा मानकर पूजा सेवा करोगे तो दिन ठाकुर स्वयं तुम्हारी सेवा करेंगे। इसलिए उनको समझाए बोले बेटा सगर मार्ग का नाम सुने, बोले हाँ, बोले कितने बेटे थे, बोले 10,000 छुट्टी हुए। चित्रकेतु का नाम सुने, जिनकी 1 करोड़ पत्नी, शादी को बाद में शादी, शादी को बाद में शादी करते गए, बेटा नहीं, एक बेटा हुआ तो दूसरे दूसरे जो थी पत्नियां उनको जहर देकर मार दिए, बोले सुखी बने नहीं। इसलिए बेटा संतान से सुखी नहीं, सुखी बनते भगवान के भजन से, बेटा नहीं तो ठाकुर के पाल लो ना, ठाकुर का सेवा पूजा करो ना, ठाकुर जी को दुखी मत हो, बोले नहीं हमें तो गृहस्थ चाहिए, संत जीवन तो बड़ा सुखा जीवन है, हैं हम चाहते हैं घर में नाती पोती बेटा बेटी हो, हम ये चाहते हैं। देखा ये तो मानेगा नहीं जब तक थप्पड़ नहीं लगेगा, तब तो उन्होंने पेड़ से फल लेकर के मंत्र पुत करके दे दिया, बोले ये फल ले ले, लेकर के अपना पत्नी को खिलाओ और बोलना झूठ बेईमानी नहीं करे, गीता भागवत रामायण पढ़े,
बड़े सुंदर एक संतान होगा। ब्राह्मण तो खूब नाचते नाचते आए और अपना पत्नी को फल दे दिया, लेकिन वो तो धुंधली धुंधली मतलब क्या, अज्ञानी अंधकार। वो कहाँ संतों का वस्तुओं को वो कहाँ ग्रहण करती हैं। बड़ी दुखी हो गई, उसकी सहेली आई, बोले क्या बात, बोले ऐसे ऐसे बात है, बोले तू चिंता मत कर, तेरे पति को पास में पैसा नहीं, मेरे पति को पास है, तेरे पति को पास में पैसा नहीं, तेरे पति के पास में ज्यादा पैसा, कुछ पैसा मेरे को दे दे। और ये जो संत फल दिए हैं उसको प्रमाण करने के लिए जो गैया बांझ हो गई थी, गैया को खिला दे और तू पेट में कपड़ा बांध करके झूठ मूठ बोल कर सोते रहो, जब मेरे घर में बच्चा होगा ना छुपा करके दे जाऊंगी। बस उसने ऐसे ही कर दिया। हाँ ब्राह्मण तो खूब नाचे, हाँ लाला भयो है, लेकिन ये भगवान की देन है। जब तक संतान नहीं होना, देखना माताओं को स्तन में दूध नहीं आती है, बच्चा होते ही दूध आती है, लेकिन बच्चा तो इसको दी नहीं, दीद नहीं, स्तन में दूध नहीं, सूखा पड़ा हुआ। उसने पति को बोला, बोले भैया मेरे को क्या पता, बोले मैंने सुना है मेरी सहेली को घर में भी एक बच्चा हुआ है, उसको बुला करके ले आओ। बोले ले आओ, अब जिसका बच्चा वही पालन कर रहा है, जो गैया कभी बच्चा ही नहीं दिया, लेकिन संतों का फल कभी नष्ट होगा ही नहीं। वो गैया भी संतान जन्म दिया जिसका नाम पड़ गया गोकर्ण। गैया जैसे कान था, बड़े सुंदर शरीर, हाँ सारा दुनिया बोले ठाकुर जब देते नहीं, देते नहीं, जब देते हैं छपर हार करके देते हैं। घर में कोई बच्चा नहीं था, देखो घर में गैया भी बच्चा दिया। दोनों बालक बड़े हुए, जब बड़े हुए दोनों का नाम करने करवाया, एक का नाम तो पड़ गया धुंधुकारी, एक का नाम पड़ गया गोकर्ण। देखो नियम है, पता है, ध्यान देकर सुनो, बच्चों का नाम ऐसे नहीं धरवानी चाहिए, ध्यान देकर सुनो सब पता है। जो मुंह में आ जाए टुन्नू गुल्लू टिंकी फिंकी जो ये सब नाम तो नहीं देनी चाहिए। नियम है कि एक नाम, एक पहला जो संस्कार है गर्भाधान संस्कार, जिस दिन बच्चा गर्भ में आता है। दूसरा संस्कार गर्भ संस्कार, गर्भ में जो बच्चे रहे, अगर माताएं गीता भागवत रामायण पढ़ोगे ना, देखना आपका बच्चा कितना सुंदर बच्चा होगा। रामायण देखे हो, लव कुश को कौन कौन देखे हो, लव कुश उठाओ तो, जब मैया सीता गर्भधारण की हुई थी, एक दिन अयोध्या में सारे संत लोग आए और वहां पर भगवान राम स्वयं कहते, बोले 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 सीते आज ये संत लोग क्यों आए हैं, कारण क्या, क्यों बुलाए, अभी तू गर्भवती हो, अगर इसी समय में तू अगर सत्संग सुनोगे तुम्हारी बच्चा बड़े अच्छे बनेंगे। इसलिए माँ स्वयं सीता बैठ करके सत्संग सुनी, बेटे कौन हुए, लव और कुश, देखे कि नहीं कितने बलवान हुए। प्रहलाद का नाम सुने हो, ये प्रहलाद इतने ज्ञानी क्यों हुए, मातृगर्भ में रहते हुए उनको माँ ने कथा सुनाना। इसलिए नियम है गर्भ संस्कार, गर्भ में बच्चे रहते हुए अगर कथा सुनगना तो बच्चा बड़ी गुणवान बनेगी है। इसलिए तीसरा संस्कार है नामकरण संस्कार, जब नाम दो ऐसे नहीं मुंह में जो आए नाम दे दो, पंडित को पास में जो वहां जो ब्राह्मण होंगे उनको पास में जाओ, जाकर के उनको पूछो, उनने जन्म नक्षत्र देख करके कोई एक अक्षर निकालेंगे, वो अक्षर को भगवान का नाम नहीं तो कोई भक्तों का नाम पर नाम रखना है। आप लोगों को पता है जैसे शादी से पहले ये कुंडली मिलाते ना, जन्म पत्र मिलाते, जानते कि नहीं, देखो ये जन्म पत्र तभी मिलेगी जब ये ब्राह्मण को पूछ करके नाम रखोगे, नहीं तो जन्म पत्र नहीं मिलेगी, जन्म पत्र मिलेगी नहीं फिर। इसलिए मनमानी नाम नहीं रखनी चाहिए, रखनी चाहिए पंडितों को पूछ करके, वो नक्षत्र को निकाल करके अक्षर निकालेंगे तभी नाम रखनी चाहिए है। देखो मैं कहीं कथा करने के लिए गया था, ध्यान देकर सुनो, मैंने कहीं कथा करने के लिए गया था, जब मैंने सब कथा सुनाई ना, एक माता जी आई, बोले बाबा आप सही बता रहे हैं, बोले क्या है, बोले मेरे दो बेटी है, ध्यान देकर सुनो माताएं सब, बोले मेरे दो बेटी है, मैंने जब बेटियों की शादी करवाया ना, मैंने ये सब कुंडली फंडली कुछ देखा ही नहीं, कुछ नहीं देखा, और मिला है तो मिला ही नहीं, क्योंकि हमने जो नाम रखवाया था अपना मनमानी ढंग से नाम रख दिया तो कुंडली मिली नहीं, शादी करा दिया। और जब ससुर घर में गई ना, इतनी लड़ाई हुई, दोनों बेटी घर में ले गई। इसलिए हमारी भारतीय जितने संस्कार है ये सब के सब साइंस ही है, ये मत समझो ऋषि मुनियों ने मनमानी ढंग से रख दिया। पहले कभी डाइवर्स का नाम सुने, डाइवर्स का नाम सुने हो, कभी नहीं सुने होंगे,
भारत में 30-40% अभी डाइवोर्स होता है. क्यों? लव मैरिज कर रहे हैं. आई लव यू, आई लीव यू, फिर आई की लीव, फिर कोर्ट में जाकर के लड़ाई झगड़ा करते हैं. हाँ, इसलिए आप लोग जो गुजर लोग हैं ना, बहुत अच्छे हो आप लोग. अपना संस्कृति में ज़्यादा गुजर परिवार मेरा प्रचार है. आप लोग जो सर पर कपड़ा देकर बैठी है ना, धन्य आप लोग का है. आप लोग आपके लिए ताली बजाओ जो कि सर पर कपड़ा देकर के बैठे हो, अपना संस्कृति को रक्षा कर रहे हो. जब तक ये संस्कृति तुम्हारी रहेगी तब तक संसार में सुख रहेगा. जब सर पर कपड़ा निकाल दोगे, पैसे घूमते रहोगे, मनमानी ढंग से शादी करोगे ना, देखो परिवार की लड़ाई झगड़ा अशांति दुख कष्ट है वहाँ पर है. लेकिन आप जो गुजर जो समाज है बहुत अच्छी. आप लोग कोशिश करना ये संस्कार अपना बच्चों को देने के लिए, अपना बच्चों को परे संस्कार देने के लिए. जैसे आप लोग कपड़े से सर ढकते हैं ना, हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़, अच्छी मतलब बहुत ही अच्छी है. इसलिए ये चीज बढ़िया. अभी संसार में तुम लोग संसार में शांति सुख में जी रहे हो. अगर इसको कोई त्याग देगा ना, हम सोचते हैं बेटियों को ज़्यादा पढ़ाने पर सुखी हो जाएंगे. अब जाकर देखो, जहाँ पर ज़्यादा बाहर गए, ज़्यादा घूमे फिरे, वहीं पर ही उतना झगड़ा अशांति, उतना ही हैं, उतना ही उल्टा पुल्टा है. इसलिए नामकरण संस्कार की बहुत बड़ी संस्कार हैं. इसलिए नामकरण संस्कार करो, जो जिसको पूछ करके कोई ठाकुर का नाम, नहीं तो कोई भक्त का नाम रख करो. देखो बड़े बूढ़े लोगों को पूछो ना, सब कृष्ण गोविंद दामोदर माता का नाम पूछो, गीता सीता पार्वती, अभी पूछो टुल्लू बुल्लू टिक्की फिक्की, विदेश में जिस कुत्तों है ना, सब कुत्तों का नाम बच्चों का नाम बताओ. बोले से पुराना सब नाम कृष्ण गोविंद नहीं, अपना पुरानी संस्कृति के हम रक्षा करनी चाहिए. अभी उनका नाम गोकर्ण धुंधुकारी नाम दे दिए, धुंधुकारी तो धुम धुम करते थे धुंधुकारी. इतने दुख सताए उसने, इतना दुख दिया पिता को, पिताजी को इतने मारा पिटा, पिता तो दुखी होकर घर छोड़कर चले गए. और अपना गोकर्ण के पास में जाकर के दिव्य ज्ञान को ग्रहण करते हुए जीवन मंगल हो गया. घर में माँ रह गई, माँ को इतने पिटाई, इतने पिटाएगी, बोले कहाँ मैंने एक डाकू को मैंने पाल लिया. मैया लास्ट में कुएं में आत्महत्या करके मरी. छः छः बेसियाँ को बुलाकर घर में रखा, डाकू डाले, फिर छः छः बेसियाओं ने पूरी तरह से उसको मार कर घर में गाड़ करके चले गए. प्रतापमा बन गया. जब गोकर्ण आया, बोले तेरे नाम पर मैंने गया में पिंड दिया. बोले भैया मैंने इतने पाप कर्म किया, मेरे नाम पर 100 बार भी पिंड दोगे मेरे मुक्ति नहीं मिलेगी, इतने पाप किया. जब सूर्य देवता को प्रश्न की, बोले भागवत कथा सुना. जब उन्हें 7 दिन तक भागवत कथा सुनाए, पहला दिन एक गांठ, दूसरे गांठ, 7 दिन में 7 गांठ कट गई. क्योंकि 7 तरह का बंधन में हम बंधे हुए संसार में, 7 गांठ कट गई. और वैकुंठ से सुंदर विमान आया और बड़े सुंदर चतुर्भुज धारण करते हुए बैठ करके जब जा रहा था, गोकर्ण ने प्रश्न किया, बोले एक प्रश्न का उत्तर दो. बोले क्या? बोले यहाँ पर तो इतने लोग बैठे थे कथा सुनने के लिए, लेकिन आप एक ही रहते हैं. देखो ये चीज को अच्छे तरह से सुन लो. कारण क्या है? इतने रथ सभी के लिए तो रथ लाना चाहिए था ना, तो एक रथ लाए क्यों? उसका कारण बताए. बोले देखो कथा सुनने का कुछ विधि है. बोले कथा सुनने का विधि विधान किया है. बोले कथा सुनने का विधि है, पहला विधि है कथा सुनने का, मन दोष जय जैसा. एक मन से कथा सुननी चाहिए. मन जब एक मन से कथा नहीं सुनोगे और कथा सुनने का फल निकलेगा. दूसरा जो विधि है विश्वास और गुरु वाक्य. पहला विश्वास ही भागवत ग्रंथों पर हमें विश्वास होनी चाहिए. अगर तुम्हारी ग्रंथ में ही विश्वास नहीं हो, अगर भावना हो पंडित लोगों ने पेट पालने के लिए ये तो सब शास्त्र ग्रंथ बना दिया, फिर तुम्हें कथा सुनने का फल नहीं मिलेगा. देखो एक बच्चा पढ़ता है, एक बच्चा पढ़ता है कितना, 20-25 साल तक पढ़ता है. कोई सीए करता है, कोई इंजीनियरिंग करता है. पढ़ता है क्यों? पता है एक दिन ना एक दिन मेरे को नौकरी मिले, इसी आस से तो बच्चा पढ़ता है ना 25 साल तक. लेकिन कभी कभी नौकरी नहीं मिलता है उसको, कभी कभी नौकरी नहीं मिलता है. आश्चर्य की बात है, सिनेमा जा करके झूठ मूठ चीज को 3-3 घंटा फिल्म आए ना, वो झूठा चीज है फिल्म में, वो एक रूप का बना दिया, कुछ नहीं झूठा है. लेकिन देखना 3-3 घंटा बैठे करके आप फाड़ फाड़ कर देखो. लेकिन गीता भागवत रामायण में हमारा विश्वास नहीं हुआ. भगवान स्वयं कहते धर्म तो साक्षात
भगवत प्रणीतम, ये शास्त्र किसने नहीं बनाया, भगवान स्वयं शास्त्र रूप में भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं। ये भागवत नहीं, ये स्वयं वाक्य बिहारी, ये स्वयं भगवान कृष्ण। लेकिन हमारे शास्त्र में हमारी विश्वास नहीं होता है, शास्त्र ग्रंथ में। लेकिन हमारा विश्वास होता है नाटक नवल में, उल्टा पुल्टा चीज में विश्वास होता है। बोले ये विश्वास गुरु वाक्यसो स्वस्मी निधिनत्व भावनम, इसलिए कथा कैसे सुननी चाहिए, दीनहीन हो करके तथा श्रवण करनी चाहिए, फिर तो ये तथा सुनने का फल मिलेगा। देखो एक छोटी सी कहानी सुनो, कैसे विश्वास करके कथा सुननी चाहिए। बोले एक कोई चेला था, ये रोज ये नदी पार करके गुरु जी के आश्रम में कथा सुनने आता था। एक दिन जन्माष्टमी आ गई, रात 12 बजे ठाकुर को अभिषेक होता है, और रोज ये नदी पार होकर घर पे चले जाता था। अभी जन्माष्टमी में लेट हो गया, रात 1 बज गई। बोले गुरु जी मेरे को घर पर जाना पड़ेगा। बोले क्यों, रात 1 बजे कहाँ जाओगे, यहीं विश्राम कर लो। बोले गुरु जी जब घर में जाता हूँ ना, आपको याद करता हूँ, अगर आपको पास में जाऊँगा तो रहूँगा तो अपना बीवी बच्चों को याद करूँगा, इसलिए घर में जाना सही। बोले ठीक है बेटा, तू घर में चला जाओ। बोले गुरु जी एक नदी पार करना पड़ेगा, अभी तो केवट सो गया होगा, फिर नदी कैसे पार करूँगा। गुरु जी ने कहा देख बेटा, मैं एक कागज में एक मंत्र लिख करके देता हूँ, और उसको अच्छे तरह से हाथ में पकड़ करके रखना, और तू नदी के ऊपर चलते चलते चल जाओगी। बोले सचमुच से उन्होंने वो कागज को पकड़े ना, नदी के ऊपर चलते चलते जा रहा था। बोले भैया गुरुदेव ने क्या मंत्र लिखे, ये पानी के ऊपर चलते चलते जा रहा हूँ, करीब करीब पार ही हो गया, अभी थोड़ी दूर था। बोले गुरु जी ने इसमें क्या मंत्र लिखा, अभी उन्हें जो खोल करके देखा है ना, उसमें केवल लिखा हुआ था हरे कृष्णा, बोलो जोर से, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जब उसने खोल करके देखा, बोले हरे कृष्णा और कुछ है ही नहीं, और विश्वास था ना इसके अंदर कुछ कुछ लिख करके दिया, लेकिन उसमें ठाकुर का नाम था, कहते ना हरि से बड़ा हरि का नाम। लेकिन अभी तक पार हो रहा था, लेकिन जब नाम को देखा ना, बोले इतनी सी बात झट हो गया। देखो ये विश्वास कितने बड़ी चीज होती है, विश्वास बहुत बड़ी चीज होता है। विश्वास कथा कैसे सुननी चाहिए, विश्वास करके कथा सुना है, विश्वास गुरु वाक्य सु। और जो श्रोता है ना, श्रोता दो तरह के, कितने तरह के, देखो आज मैं सुना मैं कल सुनूंगा, देखूंगा मेरे कौन सुनाता है, जो सुनाएगा मैं तो उसको इनाम दूंगा। इतनी सी बात याद रखना, 2 मिनट सुनाता हूँ। श्रोता दो तरह के कैसे सुननी चाहिए, बोले एक श्रेष्ठ श्रोता और एक कनिष्ठ श्रोता। कितना, एक अच्छे श्रोता और एक है साधारण श्रोता। जो श्रेष्ठ श्रोता वो 4 ही तरह के, कितने तरह के हैं, जोर से बोलो। कल मैं सुनूंगा, देखूंगा कौन मेरे को बोल पाता है। पहला नंबर है हंस। हंस को अगर आप दूध दोगे ना, देखना वो दूध दूध तो पी लेगा पर पानी पानी को छोड़ देगा। कहते जो अच्छे श्रोता हैं वो जीवन में केवल अपना सार सार को तो ग्रहण करता है और असार वस्तुओं को त्याग देता है, कहते ये श्रेष्ठ श्रोता है। दूसरा श्रोता मछली, मछली देखे हो, हम लोग तो खाते नहीं तो पता नहीं होगा, मछली को देखना उसका आंखों का जो पलक है ना कभी नहीं झपकी है, एकदम खुली हुई रहेगी। कथा कैसे सुननी चाहिए, एकदम खुली आंखों से, सो करके नहीं, एकदम टकटक लगा करके, जैसे कथा का एक अक्षर भी हमसे चूक नहीं जाए। तीसरा है मधुमक्खी, एक मक्खी और एक है मधुमक्खी। कहते मक्खी क्या करता है, वो गंदी चीज में बैठता है, मधुमक्खी कहाँ बैठता है, बोलो कहाँ बैठता है, फूलों में बैठता है, और हर फूलों से उसने शहद को ले लेकर के ना सुंदर एक छता बना देता है जो ठाकुर को सेवा में रखता है। इसलिए हमें मक्खी नहीं बननी चाहिए, क्या बननी चाहिए, मधुमक्खी। इसलिए कुछ श्रोता ऐसे होते हैं जिनको कोई कथा से कोई मतलब नहीं, बोले यहाँ तो नवग्रह का तुमने पूजा ही नहीं। बोले भैया ये तोता था, आपने तोता कहाँ है, तोता है, बोले केले का पेड़ कहाँ है, केले का तो पेड़ है ही नहीं, यहाँ तो नवग्रह का पूजा करवाया नहीं कुछ, ऐसे ही कथा शुरू कर दी। नहीं, जिस समय सुखदेव गोस्वामी कथा किए इसमें कुछ हुई थी, वहां पर 18,000 ऋषि लोग बैठे हुए थे। परीक्षित महाराज प्राय प्रसन्न में आए और उन्होंने ऋषि मुनियों से प्रश्न करते ही
उसी समय में जिनकी उत्तर सुनकर संतुष्ट नहीं हुए उन्होंने श्री भगवान को प्रार्थना किया। सुखदेव गोस्वामी आए, सीधा बैठे और सीधा कथा शुरू हो गया। वहां के नवग्रह की पूजा हुई थी, वहां पर नवग्रह कोई पूजा हुई थी? भागवत में आती है भाई नवग्रह की पूजा हुई है। नवग्रह पूजा कौन करते हैं? जिनको भगवान में विश्वास नहीं है। इसलिए जा पर कृपा हरि की वही ता पर कृपा करे सब कोई। जब भगवान खुश हो गए हम इधर उधर देवाधिदेव को पूजा करने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान को अंदर में अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड, भगवान को अंदर में ठाकुर जी के अंदर में बैठे हुए। अगर ठाकुर जी संतुष्ट हो गए तो फिर तो हमें दर दर कहीं भटकने का कहीं जरूरत नहीं। हम आगे की सब कथा सुनेंगे, भागवत में कैसे एक एक कथा आएगी। उन्होंने इंद्र पूजा को बंद करवा दिया कृष्ण ने, बोले गिरिराज की पूजा करवा। ब्रह्मा जैसे व्यक्ति आकर के कृष्ण चरण में नाग को रगड़े ठाकुर के चरण में। इसलिए हमें मक्खी नहीं, हमें क्या बननी चाहिए? मधुमक्खी बननी चाहिए। तीसरा नंबर बताए, चौथा नंबर बताए तोता। जो तोता है ना, देखना किसी कच्चे फल में चोंच नहीं मारता है, वो केवल पक्के हुए फल में ही चोंच मारता है, कच्चे फल में नहीं। इसलिए हमें मुंह जहां तहां नहीं मारनी चाहिए। कहते ये चार तरह के ये साधारण श्रोता है, कहते चार तरह ये श्रेष्ठ श्रोता है, कहते चार तरह का साधारण श्रोता। बोले कौन है? बोले भुरुंड, एक चिड़िया है, वो हिमालय पर्वत में रहता है। उसको जैसे सुना हो ना वो ठीक वैसे सुना देगा, लेकिन अपना जीवन में एक अक्षर भी नहीं उतारा। दूसरा नंबर है बैल। बैल को आप सुंदर सुंदर घास दो, नहीं तो कोई फल दो ना, उसमें कोई फर्क नहीं समझता है। इसका मतलब है जो भगवान की कथा और इधर उधर कथा में कोई फर्क नहीं समझता है, दोनों को जो बराबर मान लेता है। तीसरा नंबर है भेड़िया। हाँ, ये भेड़िया को ठीक से ध्यान सुन पाता है, विशेषकर माता है ध्यान से सुन। ये भेड़िया क्या करता है? छोटा जाति का बाघ होता है। जब कोई हिरण कोई सुलीली शब्द सुनकर के बुद्ध हो जाता है, उसी समय में ये भेड़िया उसको ऊपर आक्रमण करता है। इसका मतलब है ऐसे कुछ श्रोता है जो मन लगाकर कथा सुनते हैं, लेकिन ऐसे कुछ श्रोताएं होती हैं जो पास में जो माताएं बैठी हुई होती हैं जिनको कथा सुनने नहीं देती। बिना कारण से कहा तुम्हारे घर में क्या खाना बनाता है, तेरी बहू क्या कर रही थी, उसका बेटी ऐसे हो गई, उसका छोरा ने भाग दिया, खुद कथा नहीं सुनते हैं, पास व्यक्ति भी कथा सुनने नहीं देते, उसको भेड़िया कहते हैं। जो चौथा नंबर है ऊंट। जो ऊंट है आप उसको कोई कोमल कोमल पत्ते दो ना वो नहीं खाएगा। और भुंडगा भैया कांटा के वृक्ष कहाँ पर है? हाँ, ये बबुल वृक्ष कहाँ पर? कांटा वृक्ष। इसका मतलब जो भगवान की मधुर मधुर कथा नहीं सुनते थे, इधर उधर की बात में जो मन लगाते हैं उसको ऊंट कहते हैं। भले जो कथा है चार तरह के, कितना है? एक सात्विक, एक राजसिक, एक तामसिक और एक निर्गुण। बोले सात्विक की कथा किसको कहते हैं? जैसे एक महीना दो महीना कथा तो सुने, लेकिन उसको बाद में फिर कथा से कोई मतलब नहीं। राजस की कथा किसको कहते हैं? बड़े ठाठ बाढ़ से कथा का आयोजन किया, सारा दुनिया को बुलाए, कथा हो रही है, इतने दिखावा करे, इतने दिखावा करे जो सोच नहीं सकते, लेकिन स्वयं कथा नहीं सुनी, केवल व्यवस्था व्यवस्था में लग रहे हैं, नहीं उसको सही कथा नहीं कहते। कथा सही है जो मूल जो वस्तु है, कथा सुन करके कथा सुनाओ, ज्ञान को अपना जीवन में अपना ज्ञान को उतारो, ये सही कथा। तीसरा नंबर तामसिक है। तामसिक कथा किसको कहते हैं? जैसे सात दिन तक कथा तो हुई, कभी बीच में आए कथा, कभी लास्ट जब कथा खत्म होने के लिए जा रहे, कभी कभी बैठ गए मन नहीं लगा कि चक्कर घूम कर आ गए, कभी मन में सुने कभी नहीं सुने, कभी सुने कभी बेमन में सुने, और आधा किसी तरह से जो कथा सुन करके सात दिन बिता देते हैं, इसको तामसिक। लेकिन सही कथा क्या है? निर्गुण कथा क्या है? बोले जो निर्गुण कथाएं, बोले सदा से प्यार, सदा से प्यार श्रीमती भागवती वार्ता जस्या श्रवण मात्रेण अरिश्चितम समाश्रय। वास्तव कथाएं क्या है? जो अपना जीवन को ही कथा बना दे। मतलब क्या? अपना घर में रोजाना रामायण को, नहीं तो भगवत गीता हो, नहीं तो भागवत हो, जो अपना घर में नियमित पूर्वक
भागवत गीता रामायण को रोज रोज घर में पढ़े, ठाकुर को पूजा करे, जो कुछ खाए ठाकुर को भोग लगा कर खाए, जो कुछ करे ठाकुर के लिए करे, अपना जीवन को जो प्रभु की भक्ति में संपूर्ण रूप में डुबा दे, तो यही कथा ही सही कथा है। अगर कथा अगर ऐसे सुना तो मन लगा करके ना, फिर दूसरे दिन से फिर कथा प्रारंभ हुई, बोले केवल 7 दिन ध्यान से कथा सुना संसार से पार हो जाओगे, अरे दूसरे दिन सबके सब आए और 7 दिन तक बढ़िया से एक मन से कथा सुने, और कथा के पहले आए और कथा को बाद में गए, और एक मन से कथा सुने ना, जितने लोग वहां बैठे हुए थे सभी के लिए वैकुंठ से रथ आया, और सबके सब रथ में बैठ करके ठाकुर जी के पास में सबके सब चले गए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत कथा अमृता की जय। इसलिए देखो देखो आप लोग भी कथा सुन रहे हो, जब कथा समाप्त होगा ना आप लोगों को भी एक एक रथ आएगा, आप लोगों के लिए भी एक एक रथ आएगा, बता कौन कौन जाएगा। अगर सचमुच से रथ आ गया भगवान का धाम से, मुझे लगता है हाथ उठा रहे हो, अगर रथ आएगा ना एक भी यहाँ नहीं दिखेगा, बोलेगा अगर मैं पति है, बेटी की शादी नहीं हुई, बेटा अभी छोटा है, कोई चिंता मत करो, जब तक संसार से आसक्ति नष्ट नहीं हो जाएगी तब तक रथ आने वाले नहीं, इसलिए कोई चिंता मत करो, मन से कथा सुनना ठीक है ना। और देखो कल जब आओ, कथा तो आप कहीं विश्राम कर रहे हैं, कल जब आओ हमारे बड़े गुरु जी कहते थे जब कथा सुनने के लिए आओ ना, बोले तो लक्ष्मी आए तो नारायण को लेकर जाना है, और नारायण आए तो लक्ष्मी किया, हरे कृष्ण। इसलिए और आप लोग अपना पड़ोसी को एक एक माता, कल 5-5 माताओं को लेकर आना, देखो हमारे बड़े गुरु जी कहते थे जिसको आप साथ में लेकर के आओगे ना उसको जो पुण्य मिलेगी आप ही जला लेंगे, जो लाने वालों को उसका आधा पुण्य मिल जाएगी, हमारे बड़े गुरु जी कहते थे। अगर कोई व्यक्ति शराबी का संग करता है शराबी बन जाता है, जुआरी का संग करेगा तो जुआरी बनेगा, अगर भागवत कथा में ले आओगे तो उसका जीवन भी भागवत में हो जाएगा। इसलिए कल आप लोग कोशिश करना अड़ोसी पड़ोसी सबको लेकर के कथा में आए, और जाते समय सबके सब प्रसाद पा करके जाना, बगैर प्रसाद से कोई जाना नहीं, सबके सब खड़े हो जाए, कोई ठाकुर होगी आरती होगी, और आरती का साथ साथ में बढ़िया ठीक है। हरे कृष्ण करा रही थी करो आप लोग करो बाके बिहारी के आरती गाओ, आरती गाओ, बड़ा मसला